Hello and welcome to all the viewers on our YouTube channel Bikers Core Seat. So if you are looking forward to upgrade from your 100 or 110 cc scooter to something which is powerful yet stylish and sporter in looks, you can go ahead and check out this Aprilia 160 SR. This scooter is basically available in three variants. One is the standard, which we have right now. Other than that, you can go for the carbon, and third one is SRX, that is race edition. The price difference between all these three are around 10k. I am talking about exo room price only, not on road price. तो अगर आप इसको लेते हो जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड वेरियंट है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और ना ही मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 1,30,000 इसकी एक्सो रूम प्राइस है। पर अगर आप इसी स्कूटर की रेस वेरियंट को लेने जाओगे जिसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और थोड़ा सा हल्का हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पावर टू वेट रेशियो भी थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी एक्सो रूम प्राइस है 1,40,000। बट नाउ सिंस वी हैव जस्ट दिस SR 160 विच हैज़ अ लॉट ऑफ कार्बन वर्क डन एवरीवेयर ऑन द बॉडी, अभी मैं आपको सबको दिखाऊंगा। अभी दिस इज एक्चुअली अवेलेबल एट 1,30,000 एक्सो रूम, एंड इफ यू गो टू द शोरूम देन द ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस स्कूटर इज अराउंड 1,55,000 or 1,57,000। सो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू राइट फ्रॉम द फ्रंट। सो इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंट में आपको मिल जाता है दीज आर वेरी थिक MRF जैपर एंड देन दिस C8 जूम एंड दिस वन मोर वेरियंट ऑफ टायर जिसका नाम मुझे भी याद नहीं है। तो ये कम्प्लीटली आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेटअप ऑफ टायर मिलेगा जब आप खरीदने जाते हो। तो सो इफ आई टॉक अबाउट द साइज, दीज आर 120x70, 14 inch का ये टायर है। सो दीज आर द फर्स्ट वन टायर्स विच केम विथ सच अ बिगर साइज। पहले इंडियन स्कूटर मार्केट में इतनी बड़ी साइज की आपको फ्रंट व्हील या रियर व्हील व्हील्स नहीं मिलते थे। ये काफ़ी बड़ा है, C8 का है, जूम का है, इसी में MRF जैपर के भी आते हैं। अदर देन दैट, सिंस दिस इज अ 160 सीसी इंजन, इसमें मैंडेटरली आपको मिलता है क्या ABS मिलता है, सिंगल चैनल ABS है ये। और इसका जो डिस्क है उसकी साइज 240mm की, फ्रंट में डिस्क है, रियर में नहीं मिलता है आपको, सिर्फ फ्रंट में डिस्क मिलता है। बाइब्रेक के कैलिपर लगे हुए इसमें एंड दैट एक्चुअली गिव्स एन एक्सीलेंट फीडबैक। अभी जब मैं चलाऊंगा तो मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से बता दूंगा कि फीडबैक किस तरीके का है। इन द रियर एज वेल यू गेट दिस 120x17 14 इंच के टायर आपको मिलते हैं। इसमें जो प्रेशर का मार्क दिया गया 55 पास्कल का दिया हुआ है प्रेशर का मार्क। सो बोथ दीज टायर्स आर मेड फॉर द हैवी ड्यूटी। और जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ना इंजन के बारे में आगे चल के, तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये हैवी ड्यूटी टायर्स इसमें दिए गए हैं। नाउ मूविंग फर्दर, इफ आई टॉक अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ दिस स्कूटर, दिस इज द वेरी स्पोर्टी शार्पी लुकिंग स्कूटर। अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ सुजुकी वर्गमैन के साथ या फिर एरोक्स 155 यामाहा के साथ, तो दोज टू स्कूटर्स आर डेफिनेटली मोर मस्कुलर देन दिस, बट दिस इज मोर स्लिमर एंड मोर स्पोर्टी देन ऑल दोज टू स्कूटर्स। तो अगर मैं फ्रंट से आपको दिखाऊं तो मैंने टायर के बारे में आपको बता दिया। बात करते हैं सस्पेंशन की, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स आपको मिलता है, अच्छे से काम कर रहा है। चलाते वक्त मैं इसकी फीडबैक आपको दूंगा किस तरीके का सस्पेंशन है। अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा ना हार्डर साइड पे सस्पेंशन लगा, सॉफ्टर साइड पे नहीं लगा। इफ यू विल सी द सस्पेंशन सेटअप ऑफ द रियर, आपको एक सिंगल सस्पेंशन मिलता है विच इज नॉट लाइक, मैं उसको मोनोक्रॉस कैसे बोलूं, मोनोक्रॉस सेंट्रम लगा होता है। यू कैन सी राइट हियर देयर इज ओनली वन सस्पेंशन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड इफ यू गो ऑन द राइट साइड देयर इज नो सस्पेंशन ऑन द राइट साइड। बट बिकॉज ऑफ दैट ओनली, जब मैं इसको, आप जब पीछे बैठते हो ना, ये जो स्कूटर है ना, जब वेट आती है इस पर, तो ये थोड़ा ना इसका जो व्हील बेस वो बढ़ सा जाता है, मतलब फैल सा जाता है, इस तरीके का फीडबैक आपको मिलता है। सो दैट इज समथिंग अमेजिंग, क्योंकि मेरे को थोड़ा पहली बार मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी जिसमें वो मोनोक्रॉस नहीं है, क्योंकि मोनोक्रॉस जनरल के सेंट्रल में लगा रहता है, बिल्कुल बीच में लगा रहता है ताकि पूरे जो बॉडी है उसका वेट एक जगह पर आ जाए। बट इसका क्या है कि आगे तो टेलीस्कोपिक नॉर्मल है, बट पीछे जब आप देखते हो तो आपको जो सस्पेंशन है पीछे में सिंगल ही मिलता है विच इज़ नॉट अरेंज एट द सेंटर। थोड़ा सा मेरे को ऑड सा लग रहा है देख के भी, मे बी द रीजन बीइंग क्योंकि जो इंजन का पार्ट है वो इसी साइड इन्होंने रखा, उस तरफ कुछ नहीं रखा गया। मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन वाई इज दैट वाई Aprilia हैज डन दैट। इसका जो फीडबैक है सस्पेंशन को किस तरीके का, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंगल चलाते हो ना तो थोड़ा सॉफ्टर लगता है आपको रियर सस्पेंशन, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी सस्पेंशन का। बट जब दो लोग बैठ जाते हो ना तो ऐसा लगता है गाड़ी बिल्कुल नीचे दब चुकी है और कोई सस्पेंशन का कोई भी रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं आता है, बिल्कुल दब के गाड़ी चलती रहती है। बॉडी ग्राफिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मिल जाता है Aprilia 160 लिखा हुआ, फ्रंट में आपको SR कार्बन लिखा हुआ, यहाँ पे Aprilia है, इस तरफ भी स्टिकरिंग की गई है। एक्चुअली देयर इज नो 3D लोगो, हर जगह आपको स्टिकर से मिलते हैं। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे यहाँ पे भी आपको मिलेगा, एंड देन राइट हेयर एज वेल यहाँ पे 3VTEC लिखा हुआ है। यू कैन सी दिस इज कार्बन फिनिश, और कार्बन फाइबर की फिनिश बहुत जगहों पर दी गई है जिसके बारे में आपको दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर दी गई है ऑन दिस साइड पैनल एज वेल,
अगर आप यहाँ जाओगे तो साइड में यहाँ पे मिलेगी आपको, राइट हेयर राइट हेयर राइट हेयर राइट हेयर राइट हेयर, यहाँ पे भी इस तरह ब्यूटी ऑफ कार्बन फिनिश वर्क हैज बीन डन ऑन दिस स्कूटर एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस लुक्स अ बिट स्टैंडर्ड अ बिट कॉस्टलियर देन अदर 150 और 160 स्कूटर्स। इफ आई टॉक अबाउट द लेग स्पेस ऑफ दिस स्कूटर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं चलाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगी कितना ये कंफर्टेबल है या कैसा किस तरीके से है। अगर मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है जिसकी आवाज़ ना बहुत ही बेसी है, मुझे आवाज़ अच्छी लगी। इनफैक्ट जब मेरा फ्रेंड ये स्कूटर लेके आया था मेरे घर पे अभी, तो मेरे को ऐसा लगा कोई बाइक आ रही है, इस तरीके से थोड़ी आवाज़ थंडरिंग सी आवाज़ आती है इसकी, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। टायर के बारे में आपको बता दिया, नॉट टू मेंशन कि आपको फ्रंट हो चाहे बैक हो हर जगह पे आपको जो अलॉय जो रिम मिलता है अलॉय व्हील्स के फॉर्म में मिलता है। अदर अन दैट यू गेट साइड स्टैंड एज वेल एज सेंटर स्टैंड, बट साइड स्टैंड इंजन किल स्विच इसमें अभी तक नहीं दिया गया, विच इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस स्कूटर। अदर देन दैट यहाँ पर आपको सेल्फ प्लस किक दोनों मिल जाता है, सेल्फ वहाँ पर है, बट देर इज वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू मेंशन इन दिस स्कूटर यू डोंट गेट इंजन किल, दिस इज जस्ट सेल्फ स्टार्ट, दिस इज नो इंजन किल स्विच। अब अगर मैं इसको थोड़ा ना एक थोड़ा सा शॉर्ट सा कंपैरिजन में कर दूँ आपको यामाहा एरोक्स 155 के साथ, क्योंकि इसकी जो टॉप वेरिएंट की प्राइस है उसकी जो टॉप वेरिएंट की प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ऑलमोस्ट 2-3-4 हज़ार का डिफरेंस बस आता है। बट व्हाट यू गेट देयर, यू गेट मोर पावर इन एरोक्स 155, यू गेट अ बिट बल्कियर लुकिंग स्कूटर, बट अगर आपको बल्कियर नहीं दिखना आपको स्लिम दिखना है देन दिस स्टैंड्स एट दैट पॉइंट। इफ आई टॉक अबाउट द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, दिस इज बिग इनफ फॉर टू पीपल टू हैंग अराउंड, और यहाँ पर अगर आप इसकी ग्रैब रेल की बात करो तो काफ़ी स्पोर्टियर लुक दे दिया इसको, बीच से कटआउट है सो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो अगर मैं लाइटिंग सेटअप की बात करूँ तो चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो आपको जितने भी ये हेडलाइट और टेल लैम्प जो ये एलईडी में मिलते हैं, बट आई जो टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स दीज आर स्टिल बल्ब इंडिकेटर, दिज नो एलईडी इंडिकेटर्स। वन मोर थिंग दैट आई थिंक कि थोड़ा ड्रॉबैक है इस स्कूटर का वो ये है कि इन मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स व्हाट यू सी कि यहीं से ना आपकी जो सीट है वो भी ओपन हो जाती है, पर इसमें वो नहीं है, इसके लिए आपको ये निकाल के चाबी एंड देन यू हैव टू गो ऑल द वे बैक राइट हियर, और यहाँ से फिर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ओके एंड इफ आई टॉक अबाउट द बूट स्पेस, कपड़े बहुत सारे रखे हुए, ओके सो लेट इट बी, सो दिस व्हाट यू गेट। सो फ्रेंकली स्पीकिंग यू कैन नॉट पुट अ फुल फेस हेलमेट इनसाइड दिस। एक और क्या है मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लगी इसकी वो ये है कि यू सी पेट्रोल डलवाने के लिए आपको यहाँ पे आके इसको खोलना पड़ेगा, थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है, रिप्लेस होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, बट बिकॉज यू सी इन मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स क्या होता है कि आप वहीं से सीट भी ओपन कर सकते हो, वहीं से पीछे कहीं रहता है या तो साइड में रहता है या यहाँ पे रहता है फ्यूल के लिए, फ्यूल टैंक का भी लीड अपने आप ओपन हो जाता है, तो दैट मेक्स योर वर्क अ बिट ईजियर। अभी अगर आपको पेट्रोल लेना है तो यू हैव टू लाइक गेट डाउन फ्रॉम योर स्कूटर देन ओपन दिस सिस्टम सीट का जो इसको ओपन करना पड़ेगा, और उसके बाद अब वो जो नीचे लीड लगी हुई है पेट्रोल फ्यूल टैंक उसको ओपन करेंगे तब जाके आप पेट्रोल डलवा सकते हैं, सो दैट एक्चुअली इंक्रीजेज योर वर्कलोड। लुक्स एंड डिज़ाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी कि इसके जो पिलियन के जो फुट रेस्ट है बहुत ही स्टाइलिश है, अगर आप दोनों पाँव एक तरफ करके बैठते हो तो भी देखिए, एंड वन इट लॉक्स डाउन तो ऐसा लगता है कि स्कूटर का ही पार्ट है, ऐसा अलग से कुछ नहीं समझ आता है। वैसे अगर आप दोनों साइड अगर पाँव करके बैठते हो तो भी यू कैन सी कि इसको जैसे ही आप अंदर कर देते हो ना तो ये एसिमिलेट हो जाता है स्कूटर की डिजाइनिंग के साथ ही, वो अलग से नहीं दिखता है। फर्दर यहाँ पर आपको मिल जाता है एक आप इफ़ यू हैव सम बैग, आप मार्केट से आ रहे हो तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई बैग है आप यहाँ पर लगा सकते हो, दैट कैन कैरी अराउंड 4-5 kg, यहाँ सामने रख सकते हो, देर विल नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फर्दर फाइनली मैं बात कर लो तो इसके इंजन सिस्टम के बारे में, देर इज नो चेंज इन द इंजन, इट्स स्टिल 160 cc विच प्रोड्यूसेज अराउंड 11 bhp ऑफ पावर एंड 10.8 Nm ऑफ टॉर्क। रोड पे जाने के बाद पता चला कि 11 bhp की जो पावर है ये कितनी पावर देती है और कितना स्टेबल रहती है रोड पे। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूँ, तभी जब मैं आ रहा था ना तो मेरे को ना इसका स्टार्टिंग और मिड रेंज, क्योंकि अभी मैं हाईवे पे नहीं गया, मैं ज़्यादा स्पीड पे नहीं जा पाया हूँ इस स्कूटर को लेके, बट स्टिल आई कैन से कि जो इसका इनिशियल पंच है और जो मिड रेंज है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। आई वाज नॉट इंप्रेस्ड विद द इनिशियल और द मिड रेंज, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि पुल अच्छे से नहीं हो रही गाड़ी, थोड़ा और पावर होना चाहिए। हालांकि इसमें 3B tech आपको मिलता है, मतलब 3 bulb लगे हुए हैं इसके इंजन में। सो नो फाइनली इफ आई टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफ दिस स्कूटर, तो आपको मिलता है सेटअप मिलता है बोथ एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का एक सेटअप मिल जाता है, एंड इफ़ यू आर गोना टेक द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस स्कूटर तो आपको कंप्लीट डिजिटल मिल जाएगा जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट दिस ओनली, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम मिलती है, जैसे कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कह रही है ट्रिप 1 और ट्रिप 2, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग राइट हेयर। अगर आप इसके अपग्रेडेड वर्जन को तो यहाँ पर आपको नगल गार्ड मिल जाता है, देन देर इज अ बटन राइट हेयर जहाँ से आप मोड्स यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल के चेंज कर सकते हो, सो दैट लुक्स मोर लाइक यूजेबिलिटी उससे उसकी बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है,
मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा पैसे लगा के ये ना लेके जो अपग्रेडेड वर्जन है वो ले लेना चाहिए, ताकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, नेविगेशन भी वहाँ से मिल जाती है, रेंज टू एम्प्टी भी मिल जाता है उस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, साथ ही साथ इंजन की टेम्परेचर कितनी ये मिल जाती है, तो दैट लुक्स अ फार बेटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल देन वट वी हैव इन दिस स्कूटर, एंड द प्राइस डिफरेंस इज अराउंड 5 to 6,000 ओनली, सो वी शुड बेटर गो अहेड एंड टेक दोज वेरियंट्स, एंड आई वुड नॉट अप्रिशिएट टेकिंग दिस वन। सो मूविंग एट, क्योंकि इसमें आपको फिर ना बहुत सारी चीज़ें की कमी मिलती है, जैसे एक दो चीज़ और है, क्या है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या, चार्जिंग के लिए USB का कनेक्टर मिल जाता है, आप आराम से अपनी मोबाइल फ़ोन को अंदर रख के यहाँ पे रख के चार्ज कर सकते हो, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट मेरे हिसाब से क्या, इसको इतना अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ रख दोगे ना तो फिर कोई फ़ोन आ रहा है क्या, आपको कुछ देखना है कुछ करना है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। बेटर होता है कि अगर इस USB चार्जर को यहाँ कहीं सेट किया जाता और यहाँ पर कोई पॉकेट होती जिसमें अपने फ़ोन को आप रख सकते थे, तो वो ज़्यादा बेटर होता। सो नाउ फॉर मी, जितनी भी मेरे को यहाँ पे इसको स्टैंड अलोन में खड़े करके जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी उतनी मैंने आपको दे दी है। नाउ इज द टाइम टू टेक दिस स्कूटर ऑन द रोड और चेक करते कि इसके अंदर जो 160 सीसी का इंजन लगा है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, और 160 सीसी इंजन होने के बाद एंड विद दीज बिगर टायर्स, क्या ये दूसरे जो स्कूटर्स हैं उनसे थोड़ा अलग परफॉर्म करके देती है क्या? सो लेट्स फाइंड इट आउट। So we are here for the top speed of this 160 SR Abridia. देखते हैं कहाँ तक जाती है विद दिस बिगर टायर्स एंड बिगर इंजन सेटअप, हंड्रेड तक कर पाती या नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी स्कूटीज को देखा है चला के, एरोक्स थी एक जिसने 100 टच किया था मेरे वेट के साथ, बाकी स्कूटीज वर नॉट एबल टू टच 100, इसमें देखिए कितनी पावर है। सो हियर वी हैव दिस SR 160 Abridia, इसके आज हम करने वाले टॉप स्पीड चेक, ABS के साथ है सब कुछ है, तो गुड टाइम टू गो। सो लेट्स स्टार्ट दिस, आप स्टार्ट करते हो ऐसा लगता है कि दिस इज रेडी टू गो, सो नाउ लेट्स ओके, पीछे देख लो कोई नहीं आ रहा है, ठीक है चले। दिस स्कूटर फॉर द टॉप स्पीड एंड आई गेस कि हमारे पास जो टॉप स्पीड कुछ रिजल्ट आए तो वो उतने इम्प्रेसिव नहीं थे, एट अराउंड 1995 यही तक गया था, उससे आगे नहीं जा पाई थी। आई एम बिट सरप्राइज, ये आखिर इतना कम क्यों भाई साहब, इतना कम क्यों, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, एटलीस्ट 100 जाना चाहिए था इसको, बट ये 90, 95 तक ही गई। आई एम वेरी सरप्राइज, ये थी लगभग 97, 98 जा चुकी थी, और ऐसा भी नहीं है कि ये स्कूटी बहुत मतलब नहीं हो, इंजन ओपन नहीं है, दिस इज ऑलरेडी लाइक 14,000 किलोमीटर, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दिस स्कूटर। स्टिल मे बी वन थिंग हो सकती है कि जब मैंने आज अपने दोस्त से स्कूटर मांगा था वो मुझे कह रहा था कि मेरे को सर्विसिंग पे देनी है इसको, मे बी दैट कैन बी वन रीजन, वाई रीजन और रीजन 100। इफ यू हैव दिस स्कूटर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितनी टॉप स्पीड इस स्कूटर के साथ अचीव करी है, तो उससे मेरे को एक आइडिया मिल जाए कि हाथे के साथ सर्विसिंग डिले है इसकी, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इसकी टॉप स्पीड इतनी कम हो गई है, बट इन एनी वे 90 कुछ समझ में नहीं आया, बट स्टिल ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, विल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राइड सेफ, जय हिंद, एंड वी हियर योर हेलमेट ऑलवेज।